नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जगदीश टेकरावाला। तो स्वागत है सर आपका इस चैनल में। थैंक यू जगदीश भाई। की मैं बात करूं तो सूरत के टेक्सटाइल में इतने सारे मार्केट हैं, उसमें से कितने मार्केट, बहुत सारे मार्केट उन्होंने बनाए हैं और खुद एक सिविल इंजीनियर हैं और बहुत पैशनेट है कंस्ट्रक्शन के बारे में और बहुत उम्दा नॉलेज भी रखते हैं, एजुकेशन में भी है, संवेदनशील व्यक्ति है, इसलिए सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत करते हैं। तो ये सारा परिचय वो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़ुबानी आपको दें। तो जगदीश भाई, आप एक अच्छे बिल्डर रह चुके हैं, एक अच्छे एजुकेशनिस्ट हो, सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को आपका जो सफ़र है, आप कैसे सिविल इंजीनियर बने, कैसे आपने स्ट्रगल किया, क्या क्या चुनौतियों का आपने सामना किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश टेकरावाला है। मैं एक शिक्षक फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर मदर दोनों टीचर थे और संस्कारी कुटुंब से आता हूँ। आपको ख्याल होगा कि 1945 मेरा बर्थ है, वो टाइम टीचर्स का जो पे स्केल था वो बहुत कम था, इसीलिए हमारे घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी और एक रूम किचन में रहते थे सिटी में। आपको जानकर तो ताजुब होगा कि जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में आया तब से मैंने मेरी पढ़ाई के लिए ट्यूशन करना चालू किया और जो पैसा आता था उसमें से मैं मेरी पढ़ाई करता था। ये सिलसिला मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए अहमदाबाद गया एलडी कॉलेज में 1964 में, वहाँ भी चला, क्योंकि अहमदाबाद जब मैं पढ़ता था तो मेरा एक्सपेंसेस था 150 रुपीज़ पर मंथ और मेरे फादर मुझे 50 रुपया भेज सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते थे, तो मुझे 100 रुपीज़ कहीं से भी एडजस्ट करना था। इसीलिए मैंने एक ट्यूशन रखा था वहाँ भी, जो वाड़ीलाल आइसक्रीम जो आज बहुत फेमस आइसक्रीम है, उनके जो दो ओनर है आज राजू भाई और शैलेश करके, वो दोनों जब फोर्थ स्टैंडर्ड में थे तभी मैं उनको पढ़ाने के लिए जाया करता था इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ, और वो मुझे 100 रुपीज़ देते थे, उसमें से मेरा पूरा खर्चा निकल जाता था। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं सूरत आया वापस। मेरे फादर बहुत वेल नोन टीचर थे इसलिए उनके बहुत इन्फ्लुएंस भी थी, तो मेरा पहला जॉब कॉरपोरेशन में लगा, उनके जो पीए के जो पीए थे कमिश्नर के मिस्टर मास्टर सीएल मास्टर, वो मेरे फादर के स्टूडेंट थे और फॉर्चुनेटली सीएल मास्टर के फादर मेरे टीचर थे, तो दोनों एक साथ में होने से मेरे फादर मुझे वहाँ ले गए और उनसे बात किया कि जगदीश आया है और वो बोल रहा है कि बीए सिविल में पास हो जाएगा, तो उनको नौकरी के लिए तुरंत ही उसने फ़ोन उठाया, कॉरपोरेशन की जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट था उसमें बात किया सर से और उसको बोला कि नहीं, मेरे टीचर का सन है, उनको कल से ही अपने को रखना है। वो साहब ने बोला कि हाँ रख तो सकते हैं लेकिन उसको परमानेंट नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, उसको डेली वेजर पर रख सकते हैं, जैसे मजूर आता है ऐसा ही डेली वेजर, आफ्टर माई ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। तो हम लोग मुझे वहाँ ले गए, उसने देखा, बात किया, बोले कल से आ जाओ। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट कितना पगार मिलता था मुझे, 10 रुपया रोज के पगार से डेली वेजर के हिसाब से 1968 में कॉरपोरेशन में रखा गया था। मैंने वहाँ 1.5 साल तक सर्विस किया, बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरह से सर्विस किया। मिस्टर बम्भानी करके मेरे बॉस थे, उसने मेरे लिए कॉरपोरेशन में कमिश्नर को बार बार वो बोलते रहे कि बहुत अच्छा लड़का है, आप उसको कॉरपोरेशन में कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब पर ले लो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के फॉर्चुनेटली मेरे लिए फॉर्चुनेट है कि वहाँ मुझे नौकरी नहीं दी गई। वो भी कंटाल गया कि अभी इसका जो करियर है ख़राब हो रहा है,
तो ही एडवाइज मी कि नहीं अभी तुम्हारा काम इधर नहीं है, तुम कहीं दूसरी जगह पे ही जाओ। तो वो पेपर में एडवर्टाइज आती थी इंजीनियर की, वो खुद पढ़ते थे, उसकी एप्लीकेशन तैयार करते थे, खाली मुझे साइन करने के लिए भेज रहे थे, इतने अच्छे बॉस थे। आफ्टरवर्ड मुझे गवर्नमेंट में जॉब मिल गई, वहाँ भी करनाल डिवीज़न में था, वहाँ भी मेरे जो बॉस थे वो सिंधी थे, और वहाँ हम लोग 13 इंजीनियर्स थे। ये जो MTB कॉलेज है उसके बाजू में उसकी ऑफिस थी, तो वहाँ से मुझे वलसाड ट्रांसफ़र किया, वलसाड से सिदोमबर गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये था कि देर वॉज नो वर्क एट ऑल, काम ही नहीं था, खाली बैठे बैठे पगार लेने का था। तो मैंने वहाँ 1.5 बरस तक तो मैंने घुटन करते करते वो नौकरी की। फिर बाद में मुझे मेरे फादर को बताया कि ये तो नहीं होने वाला, मैं नहीं करूँगा ये चीज़, क्योंकि बैठे बैठे पैसा लेने का कोई मतलब नहीं था। तो देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग समवेयर एल्स। दैन इतने टाइम में जो अपना सूरत टेक्सटाइल मार्केट है उसमें एक इंजीनियर की पोस्ट आई थी, मेरा फ्रेंड वहाँ था मिस्टर टालिया करके, उसने मुझे फ़ोन किया कि एक पोस्ट है तो मुझे आना चाहोगे? मैंने बोला हाँ मैं आना चाहूँगा। मैं इंटरव्यू में गया, सूरत के एकदम स्टॉलवर्ड से बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बचकाने वाला कहे थे, लिखड़िया जी थे, सब थे। तो इंटरव्यू में बैठे थे, वो टाइम मुझे गवर्नमेंट में 450 रुपया का पगार मिल रहा था और परमानेंट जॉब था मेरा जूनियर इंजीनियर का। जब मैं इंटरव्यू में गया तो उन लोगों ने बताया कि देखो, एक तो फर्स्ट थिंग कि एक तो ये जॉब है वो 1.5 ईयर्स की ही है, 1.5 साल की ही है, और दूसरा तुमको वहाँ 450 रुपया मिल रहा है, हम तुमको 375 450 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। मैंने इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग मैंने बोला हाँ मैं आऊँगा। वो लोग एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि एक परमानेंट जॉब है और 450 मिल रहा है, ये लड़का 450 में क्यों आना चाहता है? देखो सस्पिशियस। तो मुझे पूछा उन लोगों ने कि भाई क्यों ऐसा करते हो तुम, परमानेंट जॉब छोड़? तभी मैंने उसको बताया कि देखो वहाँ तो बैठे बैठे पैसा है, मैं वो ऐसा पैसा कमाना नहीं चाहता और मैं सीखना चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन में, तो मैं ये करूँगा ही। तो ये इसके लिए फिर वो लोगों को वो लगा कि नहीं ये इज़ सिंसियर इनफ, तो उन लोगों ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया और मैंने वहाँ 1.5 साल तक नौकरी की। सुबह मैं 8 बजे मैं जाता था जॉब पर, रात को 2 बजे बराबर मैं घर पर जाता था। तो बहुत अच्छी तरह मैंने वहाँ सर्विस की और वहाँ कंस्ट्रक्शन का A to Z मैंने जान लिया वहाँ से। देन आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए, वहाँ से मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था उसके वहाँ गया, तो वहाँ भी किया। दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब। यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग है वो मेरे हाथ से बना हुआ है। तो ऐसे करते 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 मैं आगे बढ़ता गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हुआ, वहाँ से फिर एज ए बिल्डर चालू किया। और बाद में जो मैंने टेक्सटाइल मार्केट में जॉब की थी वहाँ जो पहचान हुई थी मेरी सब बड़े बड़े बिजनेसमैनों से, वो मुझे बहुत काम लगी। कि जब भी मैंने मेरे काम के लिए ज़रूरत थी, कहीं भी मैं जाता था तो वो लोग मुझे चौक्स ही मदद करते थे और वहाँ सिफारिश करते थे, काम मुझे मिल जाता था। देन आई बिकम ए वेरी गुड कॉन्ट्रैक्टर। फिर बाद में मैं बिल्डर बन गया। मेरे लैंडमार्क बिल्डिंग्स में मेन मैं आज मानता हूँ तो 2-3 प्रोजेक्ट्स है। एक तो JJ मार्केट जो रिंग रोड पर है, ये मैंने JJ मार्केट जब बनाया उसके पहले पूरे रिंग रोड के ऊपर जो मार्केट बन रही थी वो एकदम चीला चालू, एकदम ऐसा स्ट्रेट बोले तो डब्बा जैसी मार्केट बन रही थी। वहाँ कोई नहीं एलिवेशन का कोई ठिकाना था कि नहीं कोई फैसिलिटीज़ का था। तो मैंने पहली दफ़ा JJ मार्केट बना के उन लोगों को बताया कि मार्केट ऐसी होनी चाहिए। एक बार मुझे याद है कि रिलायंस के धीरूभाई अंबानी विजिट पर आए थे मार्केट में, और उसने मुझे 30 मिनट दिया था कि आधा घंटा मैं तेरी मार्केट में रहूँगा और देखूँगा। फिर वो वहाँ 2.5 से 3 घंटे तक रहे मेरे साथ, पूरा मार्केट देखा है, एक एक दुकान पर गए। फिर बाहर निकलते समय उसने मेरे खभे पर हाथ रख के बोला था कि जगदीश ये मार्केट सूरत में नहीं बॉम्बे में होना चाहिए था, बॉम्बे में हमारे पास ऐसी मार्केट है ही नहीं। तो ये एक मेरे लिए भी बहुत अच्छा अचीवमेंट था। पैसा तो मिला ही मुझे उधर,
वही प्रोजेक्ट से मुझे बहुत फेम मिला, फिर बाद में अदर सो मैनी प्रोजेक्ट्स मैंने किया है, SR के हाउसिंग मेरी है, रिलायंस के ADM बिल्डिंग्स मेरे है, और ऐसे बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि सूरत के डेवलपमेंट में मैंने बहुत अच्छा किया। जगदीप, कंस्ट्रक्शन आपका पैशन रहा है और इसमें बहुत नाम भी कमाए, पैसे भी कमाए और इज्जत भी कमाई आपने, तो कोई ऐसा, जैसे आपने JJ का बताया, ऐसा कोई और कोई प्रोजेक्ट हो जो आपको बहुत दिल से, कई चीज़ होती है कि मतलब हमको जो पसंद वाला काम है जो हमने किया हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो तो बताइए सर। कंस्ट्रक्शन में एक दूसरा जस्ट मार्केट भी था मेरा, वो भी एक बहुत अच्छा डिज़ाइन था, अनफॉर्चुनेटली वो इतना एक्सेप्ट नहीं हुआ, बाकी एक बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से तो JJ से पर मैं ज़्यादा उसको चाहता हूँ कि उसका डिज़ाइन ही बहुत अच्छा डिज़ाइन था, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं चला। हाँ, उनको जो अपील जो यूज़ करना था थोड़ा सा, उसमें जो बेसिक आइडिया था उसको यान मार्केट बनाने का, वो नहीं बन पाया, तो अंदर अलग अलग दूसरे बिजनेस वाले भी आ गए, तो लेकिन JJ आज 30 साल के पहले मैंने JJ बनाया है, आज भी JJ ही है। इसके बाद में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए, लेकिन आज भी JJ अपने अव्वल नंबर पर आज भी है। तो कंस्ट्रक्शन से आप एजुकेशन की तरफ मुड़े, तो वो जो आपका जर्नी था वो कैसे, आपको किसका प्रभाव हुआ या क्या प्रेरणा थी कि आप एजुकेशन की ओर मुड़े, स्कूल चालू किया आपने? नहीं, वो मैंने बताया आपको, आगे भी बताया कि मैं जब पढ़ रहा था तभी बहुत मुश्किल मेरे लिए पढ़ने का था, तो वही टाइम एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि भाई जब भी जो अगर भगवान मुझे पैसा देगा और समय देगा तो मैं एजुकेशन में काम करूँगा। ऐसे भी मेरा बैकग्राउंड तो एजुकेशन ही था, फादर मदर वाइफ सब लोग एजुकेशन में थे, तो वो मेरा नक्की ही था कि एट द एज ऑफ 60 सब कुछ बंद करके मैं एजुकेशन में चला जाऊँगा, और वो प्रॉमिस मैंने याद किया। भगवान ने मुझे बहुत पैसा दिया, बहुत सारा समय भी दिया, हेल्थ भी अच्छी दी, तो एट द एज ऑफ 60 मैंने एक वन फाइन नाइट नक्की किया कि कल से मैं कंस्ट्रक्शन में बंद कर दूँगा। मैंने बंद कर दिया, बहुत सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, उसको सेटल किया, उस सेटलमेंट में मुझे 3 साल तो लग गए, और बाद में मैं फुल्ली कन्वर्ट हो गया, और आज जो मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूँ वो मैं प्योरली ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ प्योरली ऑनररी कर रहा हूँ। मेरे पास आज 16,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कहीं से भी मैं एक रुपया भी मेरे खर्चे के लिए भी मैं नहीं लेता हूँ, तो ये भगवान की कृपा है। आपके किन किन इंस्टीट्यूशन का आपने नींव डाला है और कौन सी इंस्टीट्यूशन आप चला रहे हैं? एक जो सत्य साई एजुकेशन ट्रस्ट है उसके नेजा के हेटर IN टेकरावाला, जो मेरे मदर के नाम से एक स्कूल है, ये स्कूल तो सब जानते हैं कि टेकरावाला इज़ अ ब्रांड नेम इन एजुकेशन, और बहुत अच्छी स्कूल है। हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि कम से कम फी में और अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सके। आज मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात में हमारी स्कूल जो IN टेकरावाला स्कूल है कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ गुजरात, और बहुत सारी खूबियाँ है। हम लोग हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो आप वहाँ आते हैं वो बोलते हैं कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूट हमने देखी नहीं। ये इसके साथ में एक छोटा सा, मैं मेरा बोस्टिंग नहीं कर रहा, मेरा ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल के जब नरेंद्र भाई यहाँ CM थे तभी एक दिन उनके ऑफिस से फ़ोन आया था मेरे पर कि साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला कि भाई मुझे तो कोई काम नहीं है, बोल के नहीं साहब को आपका काम है। मैं वहाँ गया, मेरे साथ 35 मिनट तक सामने 1-to-1 बैठे, और पहला सवाल उसका यही था कि इतनी अच्छे इंस्टीट्यूट तुम चला रहे हो एजुकेशन में, तो पैसा कहाँ से आता है, कैसे चला रहे हो इतनी कम फीस में और इतनी अच्छी कैसे चला रहे हो? तो मैंने उनको समझाया था कि भाई कोई ट्रस्टी एक रुपया नहीं लेता है, कंजर्वेटिव एजुकेशन में हम लोग बहुत अच्छी तरह से, तो ही वॉज सो हैप्पी कि ऐसा भी इंस्टीट्यूट चल सकते। तो हमारा नाम पहले से वहाँ तक था। मैं जानता हूँ कि 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अंदर 2-3 बच्चे तो आपके स्कूल के होते ही होते हैं, तो ऐसी क्या शिक्षा आप देते हो, उसमें क्या आप देखते हो बारीकी से, बच्चों के पीछे क्या काम होता है ये शिक्षक द्वारा? एक तो क्या है कि हम लोग राइट फ्रॉम नर्सरी से ही बच्चों को अच्छा शिक्षण देते हैं। सेकेंड थिंग, हम बहुत अच्छे टीचर्स रखते हैं और उनको पूरे का पूरा पेमेंट करते हैं, ऑल द फैसिलिटीज़ पर उनको देते हैं, समझो आज PF है, ये जो भी है गवर्नमेंट के हिसाब से पूरा देते हैं, लेकिन काम भी पूरा लेते हैं।
तो एक और हमारे वहाँ एक दफ़ा हम उनका टेस्ट लेते हैं, वी कीप देम फॉर 3 ईयर्स, पहले 3 साल हम लोग उसको एडहॉक ही रखते हैं, अगर 3 साल में वो अच्छी तरह से काम करेंगे तो 4th ईयर उनको परमानेंट कर देते हैं, और पूरा जिंदगी ऑलमोस्ट 90% जो टीचर्स है पूरी जिंदगी हमारे वहाँ ही जॉब करते हैं, कहीं जाते नहीं, क्योंकि दूसरा कोई जात हैरेसमेंट नहीं है, अच्छे ये है ट्रस्ट बहुत अच्छी तरह से उसको ट्रीट करता है, और हमेशा उनको अपग्रेड पर करते रहते हैं। मेरे स्कूल के बाबत में बताऊं तो मेरे स्कूल में जो आयन टेकरावड़ा स्कूल है और HMB स्कूल है, इंग्लिश मीडियम को HMB बोलते हैं, गुजराती मीडियम को आयन टेकरावड़ा बोलते हैं, हमारे स्कूल में 550 कंप्यूटर तो लैब में है, 550 कंप्यूटर्स इन द लैब। हमारे वहाँ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीखने के लिए कंप्यूटर लैब है, और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो BBC लंदन से है, लोग जो आज यूज़ करते हैं हम 10 साल पहले से यूज़ करते हैं, हमारे वहाँ 40 क्लासेस है वो स्मार्ट बोर्ड वाला क्लास है, हमारे वहाँ 100 क्लासेस है उसमें से 80 क्लासरूम्स इक्विप विद ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज, तो ये सब इतना अच्छी तरह से हम लोग उसको, और हमेशा हम 2-3-4-5 साल आगे का भी विचार करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते ही रहते हैं। इस साल हमने नक्की किया कि भाई अभी कई चीज़ें ऐसी होती है कि लग्जरी होती है, लेकिन समय जाते समय आने के बाद वो लग्जरी नहीं रहती है, समझो पहले हम लोग ऐसा विचार कर रहे थे कि गाड़ी लग्जरी है, आज हमारी नेसेसिटी बन गई है, तो ऐसा ही हमने सोचा कि भाई बच्चों को पढ़ाना है अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करना है तो उसको AC रूम देना चाहिए, तो इस साल ही हमने नक्की किया कि भाई हमारी जो स्कूल है उसको 1x1 फ्लोर हर एक साल बनाते जाइए ऐसी, तो इस साल से हम लोग 2nd फ्लोर जो हमारा है जिसमें लगभग 25 क्लास है वो आज AC वर्क चल रहा है, तो इस साल इसमें AC नेक्स्ट ईयर 2nd करेंगे, तो ऐसा हम लोग हेड रहते हैं और करते हैं, पैसे का कोई विचार नहीं करते हैं, क्योंकि और कम से कम फी में पढ़ाते हैं, कम से कम आप इमेज नहीं करो इतनी कम फी में हम लोग इतनी फैसिलिटीज देते हैं कि आज भले नो डाउट हमारे जो 9th, 10th, 11th, 12th है कोई ग्रांटेड है, लेकिन ग्रांटेड में भी ओनली 2000 रुपीज़ पर एनम अखा बरस का 2000 रुपया फ़ी है हमारा, और उसमें हम लोग आप विचार करो कि AC रूम देंगे और 550 कंप्यूटर लैंग्वेज लैब इतने अच्छे टीचर्स, तो ये बहुत मुश्किल है लेकिन वी डू इट। नहीं बहुत बड़े सर, आपने ये स्कूल की तो बात कर ली, आप कॉलेज से भी कुछ जुड़े हुए हो, हाँ उसके बारे में थोड़ा बताओ। कॉलेज एक कॉमर्स कॉलेज है और लॉ कॉलेज 2-3 साल से निकला है, ये भी थोड़ा रिमोट में है, थोड़ा दूर है, ये रोरियाव में है, तो जब मैंने कॉलेज संभालना चालू किया वो भी अलग ट्रस्ट है, तो तभी वहाँ बच्चे जाना नहीं चाहते थे, तो 175 स्टूडेंट थे खाली पूरी कॉलेज में, लेकिन मैंने वहाँ जाने के बाद थोड़ा फैसिलिटीज़ ये वो सब बना के, बहुत अच्छा बिल्डिंग है, 25,000 स्क्वायर यार्ड में है पूरा कॉलेज और बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दो तो चल सकता है, आज लगभग अबाउट 1500 स्टूडेंट वहाँ हमारा पढ़ता है और अच्छी तरह से चलता है। सोशली भी आप बहुत एक्टिव हो, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आपके जो सोसाइटी के लिए जो काम आप करते हो वो थोड़ा सा बताइए। बेसिकली आई एम अ चीफ पैट्रन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और बहुत दफ़ा मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में चेयरमैन रह चुका हूँ, सिटी डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, ये सब में मैं रह चुका हूँ, तो फॉर द इंडस्ट्री फॉर द एजुकेशन मैं हमेशा मदद करता हूँ, और जो भी मेरे से होता है, पूरी साउथ गुजरात में 180 सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ इस साइड, और बहुत सारे ट्रस्टों में भी मैं रहता हूँ, लेकिन जहाँ मैं मेरा एक नियम है कि जहाँ मैं काम कर सकूँ वहाँ ही मैं रहता हूँ, जो मैं काम नहीं करता हूँ वहाँ से मैं इमीडिएटली उसको छोड़ देता हूँ, तो ये भगवान ने अभी अच्छा हेल्थ दिया है, नाउ आई एम 73+, लेकिन अच्छी हेल्थ की वजह से आज भी मैं लगभग 10-12 घंटे तक तो अपने आप ही काम करता रहता हूँ। बड़े अच्छा अच्छा स्वास्थ्य है आपका, तो अच्छी सोच भी होती है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दिव्यांगजनों की बात करते हैं, तो डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसके संचालक कनुबे टेलर है और जिससे आप भी काफ़ी परिचित हैं, मैं चाहता हूँ ये संस्था जो सेवा करती है दिव्यांगों के लिए निःशुल्क सेवा देती है उसके बारे में थोड़ा प्रतिभाव चाहता हूँ आपसे। देखो कन्नू भाई से मेरा नाता बहुत जुना है, बहुत पुराना है, जब वो ननपरा में नीचे बेसमेंट में प्रेस चलाया करते थे, मेरे ख्याल से 3 या 4 उनके वर्कर्स थे, वहाँ से
मैं उनको जानता हूँ। वो टाइम में जायंट्स ग्रुप का प्रेसिडेंट भी था, लायंस में भी था, रोटरी में भी था, तो सब जगह पे उनको इंट्रोड्यूस करवाता रहता था, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उनको जितना भी सपोर्ट हो, अच्छा काम है दिव्यांगों के लिए करना चाहिए। अपने वहाँ इंडिया में थोड़ा सा उनके लिए बहुत कम अवेयरनेस है, बाकी मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर एक जगह पे दिव्यांगों के लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हर एक को करनी ही पड़ती है, बसी से लेके ऑफिस से लेके सब जगह पे रैंप है, ये है वो सब करना। अब हमारे वहाँ थोड़ा सा उसको कम है, लेकिन अगर कन्नू भाई जैसा काम करते हैं, ऐसा जो थोड़ा और काम ज़्यादा हो तो दिव्यांगों के लिए अच्छा हो। और मैं समझता हूँ कि दिव्यांगों के लिए बेसिकली पढ़ाई तो अच्छी चीज़ है ही, वो तो पढ़ा ही रहे हैं आप, लेकिन उसको सेल्फ सस्टेन, उनको कोई उद्योग सिखा के अगर उनको लगा जाए तो क्या है, वो अर्निंग भी चालू हो जाए और अच्छा रहेगा उनको। सर अंत में एक सवाल मैं चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश चाहता हूँ आपसे। आप इतने पीढ़ व्यक्ति हो, आपका इतना अनुभव है और अलग अलग क्षेत्र में आपने काम किया हुआ, एजुकेशन से लेकर सोशल एक्टिविटी की है आपने, कंस्ट्रक्शन के भी आप बादशाह हो, तो आज का जो यूथ का जो भटक रहा है यूथ, तो उसको एक राह दिखाने वाला एक संदेश दीजिए आप। देखो मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो आज के बच्चे हैं वो कोई भी हिसाब से पढ़ना ही नहीं चाहते। वो आप कॉलेज में भी देखो तो वो कॉलेज बराबर 8 बजे की कॉलेज है, 7:45 बजे आ जाएगा, लेकिन वो वहाँ पार्किंग में बैठा रहेगा, अंदर नहीं आएगा। तो मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि देखो आपके फादर मदर है, वो कितना मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं और यू आर वेस्टिंग द टाइम। और फिर बाद में क्या होता है कि जैसे वो ग्रेजुएट कहीं इधर उधर होकर ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर उनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि प्राइवेट, आज मेरा प्राइवेट फर्म है, आज मैं किसको रखूँगा जो पढ़ा लिखा अच्छी तरह से जाए, उसको रखूँगा ना। आज कॉमर्स ग्रेजुएट उसको बैंकिंग का मालूम ही नहीं है तो उनको कौन रखेगा। फिर हम लोग बूम मारते हैं कि भाई हमें जॉब नहीं मिलती है, लेकिन खुद कोई पढ़ना पड़ेगा, कोई और तो पढ़ाएगा नहीं, लेकिन ये अभी क्या मालूम। और मेन न्यूसेंस जो आज का मेन न्यूसेंस है, मैं मानता हूँ पूरी पढ़ाई में जो मेन न्यूसेंस है वो ट्यूशन क्लास है। बिकॉज ऑफ द ट्यूशन क्लास ये सब पढ़ाई का सत्यानाश हो गया है। अगर मैं आज एजुकेशन मिनिस्टर बनूँ, मैं पहला काम ये करूँ कि ट्यूशन क्लास बंद करूँ, क्योंकि सब वायरस जो एंटी है ना वो वहाँ से ही आता है। क्योंकि वहाँ क्या होता है ट्यूशन क्लास में, समझो आज मेरी स्कूल अच्छी है, बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन इज़ वेरी गुड, लेकिन दूसरे स्कूल में सब में नहीं है, तो सब बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ ट्यूशन क्लास का कोई किसी का कोई कंट्रोल है नहीं। आज कन्नू भाई की 2 बेटियाँ पढ़ी है हमारे वहाँ, आप पूछो उनको, डिसिप्लिन में से डिसिप्लिन, लेकिन वहाँ कोई कंट्रोल है नहीं। और वो लोग ऐसा ही समझते हैं ट्यूशन क्लास के, जितना इसको छूट दोगे स्टूडेंट को, लड़के लड़कियाँ, उतना स्टूडेंट ज़्यादा आएगा अपने वहाँ, तो ये पैसा भी लेते हैं और उनका कैरियर भी बिगाड़ते हैं। और वहाँ तो कुछ नहीं होता है, वहाँ पढ़ाई तो होती ही नहीं है, समझो वो गोखण पट्टी जो बोलते हैं ना अपना, वही होती है, बस वही करके उसको पढ़ाते हैं और करते हैं। और उनकी वजह से अभी इतना खराब पोजीशन आ गया है स्कूलों में कि अभी डमी स्कूल चालू हो गई है, कि वहाँ खाली नाम लिखवाने का पढ़ने का उसमें, और स्कूल खाली हो रही है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एजुकेशन के लिए जो अगर हार्ड स्टेप नहीं लिए गए तो 5-10 बरस के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा एजुकेशन में। और एक दफ़ा मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर ढोलकिया IIM के जो चेयरमैन थे, वो चैम्बर में आए थे, उसने उनके सब्जेक्ट था कि इंडिया बाय 2020, तो उसने लेक्चर चालू किया तो पहला फर्स्ट सेंटेंस वाज दैट कि आई डोंट थिंक दैट इंडिया विल बी द सुपर पावर इन 2020। सब लोग सब एकदम सड़क रह गए कि इनको बुलाया तो इसके लिए, और बोलते हैं कि नहीं होगा। फिर बाद में उसने यही बताया कि हमारे वहाँ एजुकेशन की कोई है नहीं, सिस्टम खराब है, हम अभी भी वो जूना जमाने का वो इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये कह नया तो कुछ है नहीं, नए कोर्सेज नहीं दाखिल होते हैं, नए कोई ये एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो कैसे चलेगा, वर्ल्ड के साथ आप नहीं रह सकते। लेकिन जिसको पढ़ना है वो 100% पढ़ता है। मैं अभी 1 साल पहले मुझे कनाडा गवर्नमेंट ने यहाँ से गुजरात से 10
जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं उनको व्यक्ति को बुलाया था, मुझे भी बुलाया था वहाँ। हमको उन 17 दिन तक उन लोगों ने रखा हमें और 10 यूनिवर्सिटी बताई हमें। अब देखो यूनिवर्सिटी, मेरा एक दिमाग में एक पहले से ऐसा था कि वहाँ के कनाडा है, अमेरिका है, वहाँ तो यूनिवर्सिटी में एकदम वल्गारिटी है होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं वहाँ गया तभी मैं छक रह गया। मैंने 10 यूनिवर्सिटी में घूमने के बाद देखा एक भी वल्गारिटी का इंसिडेंट मैंने नहीं देखा। और स्टूडेंट पढ़ते अब इतनी अच्छी तरह, और 143 कंट्रीज़ के स्टूडेंट पढ़ते एक एक यूनिवर्सिटी में, तो वो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा भी एक अभी अभी लास्ट सो थोड़े सालों से है कि एजुकेशन में पॉलिटिक्स आ गया है, वो नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स आ जाएगा तो वो नहीं हो जाएगा, वो एजुकेशन नहीं दिला सकता। एकदम सही बोला सर। तो खूब खूब धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में पाए और हमारे दर्शकों से काफ़ी अच्छी बातें की। तो दर्शक मित्रों, हम धन्यवाद लेते हैं और जगदीश भाई से, और ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। दोबारा उपस्थित होंगे एक नए व्यक्ति के साथ व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाज़त।